लालच बुरी बला है दोस्तों। इसी मुहावरे को आधार बनाकर सुजीत सरकार की डायरेक्शन में तैयार हुई है गुलाबो सिताबो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पहली बातें पर। और चलो बात करते हैं दोस्तों गुलाबो सिताबो पे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और थिएटर्स बंद है, इसी के चलते लोगों ने यह डिसीजन लिया गुलाबो सिताबो की टीम ने कि इसे अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया जाए। हालांकि अमेजॉन ने बस इस मूवी को इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर जो एक्ट कर रहे हैं वो है सदी के महानायक श्री माननीय अमिताभ बच्चन जी, और साथ ही साथ वहां पर अपनी जलवा बिखेरते हुए आज के दिनों में साथ ही साथ अपनी अभिनय से लोगों को अपना फैन बनाने की काबिलियत रखने वाले आयुष्मान खुराना जी। दोनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी कास्टिंग है इस सुजीत सरकार के अंडर में बनी गुलाबो सिताबो की, सारे लोगों ने अभिनय अपना बेहतरीन दिया है, पर कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ कमियां भी हैं इस पिक्चर में। चलो दोस्तों बात करते हैं पहले स्टोरी के बारे में। स्टोरी दोस्तों शुरू होती है एक टॉम एंड जेरी की तरह कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना, जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं फातिमा महल में रहने के लिए। फातिमा महल के जो ओनर है बेगम साहिबा, उनके पति दिखाए गए हैं अमिताभ बच्चन जी, जो बहुत ही ज्यादा कंजूस और बहुत ही ज्यादा लालची दिखाए गए हैं। एक लालची बुड्ढा जो बचपन में जो बुढ़ौती में सठिया जाता है, जिसे हर चीज से प्यार रहता है, वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, जिसने एक छोटी ही तालाब में जिंदगी बिताई हो, जिसे समुद्र के बारे में कुछ ना पता हो। ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो कि एक 75 वर्षीय व्यक्ति का है, वो किरदार निभा रहे हैं और जिन्होंने बेहतरीन किरदार निभाई है। साथ ही साथ अगर आयुष्मान जी की बात करें तो आयुष्मान जी एक टेनेंट्स है जो इस घर में फातिमा महल में रहते हैं। 70 सालों से उनका पूरा जो परिवार है वो रहता आ रहा है और वो भाड़ा भी नहीं बढ़ाते हैं। इसको लेकर अमिताभ बच्चन जी बहुत ज्यादा चिढ़ते रहते हैं, जो गुलाबों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है उनसे कि यार मेरा पेमेंट नहीं देता, जिसके वजह से वो तरीके से तरह तरीके के साम दाम दंड भेद मैं बोलूंगा वो पूरी तरीके से यूज करते हैं आयुष्मान खुराना को घर से बाहर निकालने की। पर आयुष्मान खुराना भी बहुत ज्यादा चलाक और वो अनएजुकेटेड होते हुए भी कैसे खुद को उसके अंदर सर्वाइव करवाते हैं, इन चीजों को लेकर इस पिक्चर में दिखाया गया है। हालांकि अंत में क्या होता है कि क्या अमिताभ बच्चन जी को ये फातिमा महल मिलता है या आयुष्मान खुराना इस महल पर खुद का अधिकार जमा पाते हैं या उनकी बेगम जो है क्या कमाल दिखाती है, इन सभी की सस्पेंस को लेकर ये मूवी बनाई गई है। हालांकि दोस्तों मैं बताऊं कि अमिताभ बच्चन जी ने जो एक्टिंग किया है वो बेमिसाल है। मतलब जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं कि उनके आगे सच में सबके सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं उनके एक्टिंग के सामने, ऑफ कोर्स इस मूवी में भी दिखा है। एक व्यक्ति जो 75 वर्ष का कैरेक्टर निभा रहा है, आपको शुरू से लेके अंत तक आप कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अमिताभ बच्चन जी ने अपना कैरेक्टर छोड़ दिया है। वहीं कहीं ना कहीं आयुष्मान खुराना में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपना कैरेक्टर, पर कहीं ना कहीं छूट जा रहा है, कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर जस्टिफाई करने में हो जाते हैं फेल। और सच में ये मूवी जब खत्म होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रहेंगे अमिताभ बच्चन जी, बेगम जो इस कैरेक्टर प्ले कर रही है इस मूवी में, साथ ही साथ आयुष्मान खुराना की जो बहन है वो, और बाकी सारे कैरेक्टर पर आपको याद नहीं रहेंगे आयुष्मान खुराना। दोस्तों ये इट्स अ बिग फेलियर फॉर द आयुष्मान खुराना। शायद उनका सपना पूरा हो गया अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करने का, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जड़े थोड़ी सी कमजोर करके रख ली है इस पिक्चर के द्वारा। दोस्तों अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मैं कहूंगा कि मिनिमम 40 से 50 मिनट का आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर आपके पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाला है। वहीं दोस्तों इस पिक्चर की सबसे खास बात यह है कि अगर आप पिक्चर पूरी देखते हो तो आपके पिक्चर के बीच बीच में ऐसी ऐसी गुदगुदियां आएंगी कि आप कहीं ना कहीं मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाओगे। एक छोटी छोटी चुटकुले आएंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, एक्टिंग से आप इंप्रेस होने वाले हो सभी के। और सच में एक जो लालची बुड्ढे का कैरेक्टर आपने अपने हकीकत जिंदगी में देखा होगा वो आपको अमिताभ बच्चन के रूप में प्योरली देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक ये गुलाबो सिताबो नहीं देखा है और आप देखने का प्लान कर रहे हो, मैं कहूंगा वन टाइम है, आप देख सकते हो, लेकिन पिक्चर जो जैसा भी आपको लगे, फीडबैक जो भी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड वहीं दोस्तों मैं कहूंगा कि इस गुलाबो सिताबो से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इस मूवी को देखने के लिए दिमाग नहीं लगाए, इस मूवी को देखने के लिए पूरी तरह खुद को इमोशनल करना होगा, एक रियल कैरेक्टर की तरह आपको इस मूवी को देखना होगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपका जो भी राय हो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ मुझसे बच जाए तो आप जरूर मुझे बताइएगा, कोई सजेशन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले अगर फिल्मों का मैं विवरण देता हूँ तो आप जरूर उसे देख पाए। थैंक यू।